Okay, welcome to your PDF platform. Let's start your snap for the subject of building materials. ठीक है अमित, आप मुझे बताइए कि bricks और stones को as a building material अगर मुझे compare करना हो तो क्या advantages मुझे दोनों में देखने को मिलती है और disadvantages देखने में? अगर ब्रिक्स और स्टोन को कंपेयर करना हो तो स्टोन के स्टोन में मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज होगा, मोर्टार, जबकि ब्रिक्स में उतना यूज नहीं होगा। और हमें देखना होगा कि स्टोन ब्रिक्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, अलग अलग पर्पस के हिसाब से यूज करते कर सकते हैं, जिस भी जरूरी है। लेकिन उसमें स्टोन में बस दो ही कैटेगरी आते हैं, रबल मशीनरी और एशलर मशीनरी। प्लस जो ब्रिक्स में जो स्ट्रेंथ है, इवन दो स्टोन का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, लेकिन एस्थेटिक वाइज ब्रिक्स ज्यादा कंसिडर किया जाता है फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। सो फॉर बिल्डिंग पर्पसेस स्टोन से यूज नहीं करते हम लोग। स्टोन का कोई एडवांटेज नहीं है स्टोन में? स्टोन का है एडवांटेज सर, ग्रेविटी डैम में यूज होता है नहीं, नहीं, अगर मुझे जैसे होम कंस्ट्रक्शन के लिए मैं बात करूँ तो हाँ, एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं स्टोन को। एस्थेटिक पर्पस और कोई एडवांटेज नहीं? और कोई एडवांटेज? क्योंकि जनरली सर बिग ब्रिक्स से ही बनता है कंस्ट्रक्शन। नहीं, यूजुअली जो गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह रहते हैं या हॉस्पिटल वगैरह रहते हैं वो हम देखते हैं वहाँ पे स्टोन मैसनरी काफी यूज की जाती है, तो वहाँ क्या ऐसा पर्पस है जो ब्रिक्स नहीं सॉल्व कर पा रही? स्टोन मैसनरी में सर स्वेलिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्रिक्स में ऐसा हो सकता है, ये है रीजन। अच्छा ठीक है ठीक है, आप मुझे बताइए लीच एटलियर टेस्ट आपने सुना होगा सीमेंट के बारे में, क्या होता है वो टेस्ट, क्या करते हैं? सर कौन सा? लीच एटलियर टेस्ट? यस सर, लीच एटलियर। तो वो लीच एटलियर टेस्ट सर अनसाउंडनेस मेजर करने के लिए होता है। अनसाउंडनेस मेजर करने के लिए सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप में 100 mm डाय का होता है, 100 mm हाइट भी होता है। उसमें कंक्रीट को फिल करते हैं स्पेसिमेन को, फिर उसको इंसर्ट करते हैं वाटर बाथ में, फिर उसके बाद वाटर बाथ से निकालते हैं, वाटर बाथ में नहीं इंसर्ट करते सर, वो नॉर्मल वाटर में इंसर्ट करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, उसके बाद मेजर करते हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस जो जो एरोज होते हैं, उसके बाद फिर से 3 आवर्स के लिए डिप करते हैं, फिर से निकालते हैं, उसके बाद फिर से मेजर रीडिंग लेते हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट बताता है। अच्छा, कितना होना चाहिए वो मैक्सिमम, कितना अलाउड है? 10 mm मैक्सिमम, ओपीसी के लिए 5 mm अलाउड है सर। ओपीसी के लिए 5 mm अलाउड है, 10 mm किसके लिए अलाउड है? वो याद नहीं हो सकता। अच्छा देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग सीमेंट की भी निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की भी, कंक्रीट के लिए भी निकालते हैं। हाँ, दोनों के टेस्ट्स में क्या फर्क है? साइज का सर, क्यों जो स्पेसिमेन का साइज होता है 70.6 mm होता है साइज सीमेंट के केस में, उसमें कंक्रीट में 150 mm साइज का क्यूब होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, वही सेम प्रोसीजर यूज करते हैं, मोल्ड में फिल करते हैं सीमेंट हो या कंक्रीट हो, फिर उसको इंसर्ट करते हैं वाटर में, फिर उस नहीं वाटर में नहीं इंसर्ट करते, ह्यूमिड कंडीशन में रखते हैं 24 आवर्स के लिए, उसके बाद वाटर में इंसर्ट, उसके बाद मोल्ड से उसको निकालते हैं, फिर वाटर में इंसर्ट करते हैं, फिर जब टेस्टिंग करना होता है उसके बाद जो है टेस्टिंग करने के बाद जस्ट जिस वक्त टेस्टिंग करनी होती है उस वक्त उसको वाटर से निकालते हैं और टेस्टिंग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाकर। मेनली डिफरेंस तो वही स्पेसिमेन का साइज का ही होता है। अच्छा, तो सीमेंट वाले में सीमेंट और पानी का मिक्सचर होगा और कंक्रीट वाले में सीमेंट और सैंड और यस सर। हाँ वो तो होगा ही क्योंकि वो कंक्रीट है, एग्रीगेट भी होगा उसमें। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो सीमेंट है उसमें हम लोग ये करते हैं C3S, C2S और ये C4F, हाँ ये कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड कब बनते हैं? हाइड्रेशन के वक्त बनते हैं सर। हाइड्रेशन के वक्त ही कंपाउंड्स बनते हैं? नहीं, हाइड्रेशन के वक्त बोक्स कंपाउंड इन्हें कहा जाता है। हाँ वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ये बनते कब हैं कंपाउंड?
बनते कब? वो तो सर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब सीमेंट होती उस वक्त होते हैं बनते सर, जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। हाँ मतलब अच्छा, अगर एक सीमेंट है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आया तो उसके अंदर ऑलरेडी ये कंपाउंड होंगे। सीमेंट के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है किस सीमेंट में C3S ज्यादा है या नहीं, मैं C2S वो नहीं पूछ ज्यादा। कि ज्यादा कौन है कम कौन है, वो चलो बाद की बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कंपाउंड पानी के कांटेक्ट में आने से पहले होंगे या पानी के कांटेक्ट में आने के बाद होंगे? अगर ड्राई, अगर सीमेंट पे मैन्युफैक्चरिंग, अगर वेट ड्राई प्रोसेस से हुए तो उसमें वाटर यूज नहीं होगा, अगर वेट प्रोसेस से हुए है तो उसमें वाटर यूज होगा, तो उसके पहले तो होगा ही सर। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के पहले अगर वेट प्रोसेस में होगा तो उसमें वाटर कॉन्टैक्ट आ गया। जब आपका वेट प्रोसेस है, जब आप मिक्स कर रहे हो, तो सीमेंट बन चुका होता है उस टाइम पे? तो नहीं, उस वक्त वही बना था। फिर सीमेंट तो उसके बाद ही बनता है ना। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि आपके पास एक सीमेंट का बैग, उसके अंदर ऑलरेडी ये कंपाउंड्स प्रेजेंट है या वो सीमेंट को आप पानी के अंदर डालोगे फिर वो कंपाउंड, ये बताना है आप। ये सर में कंफ्यूजन है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि टिम्बर जो रहता है उसके डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट बता सकते हो आप मुझे, टिम्बर में क्या डिफेक्ट है? टिम्बर में सर, टिम्बर चैप्टर रिवीजन नहीं किया अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग बोलते हैं कि ये सर। कॉन्क्रीट का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ फॉर विच मोर देन 90%, 95% ऑफ टेस्ट रिजल्ट, नॉट मोर देन 95% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब हिंदी में आसान भाषा में क्या मतलब मतलब अगर अगर 100 क्यूब्स को टेस्ट किए तो अगर है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सपोज M30 है, तो 100 क्यूब को टेस्ट किए जिसमें से 95 क्यूब का जो टेस्ट रिजल्ट है 30 से ऊपर आना चाहिए, बाकी जो 5 क्यूब्स है उसका 30 से नीचे होना चाहिए। तो ठीक है, तो एवरेज स्ट्रेंथ क्या होगी उन क्यूब्स की? 30 से कम होगी या 30 से ज्यादा होगी? एवरेज स्ट्रेंथ 36, एवरेज स्ट्रेंथ तो FCK+1.65625 सिग्मा से निकलता है, तो हाँ, वो ज्यादा होगा आपके उससे, ये कम होगा मेरे ये कम सवाल भी है। डेविएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि सिग्मा कौन से ग्रेड का कंक्रीट है। तो सपोज अगर जो सिग्मा की जो वैल्यू है उस हिसाब से उसके एवरेज स्ट्रेंथ चेंज होगी सर, उसी रेंज में लाई करें। सिग्मा की वैल्यू, अगर आप FCK+1.65 × σ कह रहे प्लस हो, 1.65 या -1.65 इन दोनों के बीच में वैरी करेगी, लेकिन जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो तो हाँ यही होगी सर। एवरेज स्ट्रेंथ 2 कैसे हो सकती है? एवरेज स्ट्रेंथ 2 कैसे हो सकती है? FCK+-65 × σ भी कह रहे हो, और मतलब FCK+1.65 σ भी कह रहे हो, FCK-1.65 σ भी कह रहे हो, दो एवरेज स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? एवरेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो होते हैं सर वो यूज करते हैं मीन ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट्स, तो वो जो होती है उससे निकलता है एवरेज स्ट्रेंथ। मेरे बोलने का मतलब एवरेज स्ट्रेंथ तो एक ही वैल्यू आएगी ना, उसका कुछ हाँ एक ही वैल्यू होगा, तो तुम दो कैसे कह दे रहे हो, प्लस बी और माइनस बी? मैं ये पूछ रहा हूँ ये मीन स्ट्रेंथ जो होगी क्या ये कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा होगी या कम होगी, ये मेरा सिंपल सा सवाल है। कंफ्यूजन अच्छा, ब्रिक्स आई है साइट के ऊपर, तुमको टेस्ट करना है वहाँ, तो तुम्हारे पास एज सच कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं, और तुमको देखना है कि ब्रिक्स अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं, तो ऐसे कौन से टेस्ट है जो तुम साइट पे खड़े खड़े कर? टेस्ट साइट पे और नहीं पता ठीक है अमित, लेट मी गिव यू फीडबैक। थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सर। अच्छा परफॉर्मेंस मैं ही नहीं बोलूँगा, तो इज 2.5 out of 5 परफॉर्मेंस, 50-50 परफॉर्मेंस, ठीक है? टिम्बर से क्वेश्चन TSTC में इसलिए मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि
टिम्बर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा भी जा सकता है आप उनको, मतलब अगर वो पूछ रहे हैं तो आप मना तो नहीं कर सकते ना कि सर मत पूछ। बाकी मैं, आपने बिल्डिंग मटेरियल्स कहा था इसलिए मैंने टिम्बर भी कवर कर लिया। बाकी एक ही क्वेश्चन पूछा था मैंने टिम्बर से, बाकी मोस्टली क्वेश्चन तो हमारे कॉन्क्रीट या सीमेंट वाला वगैरह से रिलेटेड ही। तो एक तो पहली बात, जैसे जो लीच एटलेट टेस्ट मैंने बताया पूछा था तुम्हें, तो 10 mm है ओपीसी के लिए, 5 mm नहीं है। ठीक है, फिर वो जो मोल्ड का साइज बताया वो गलत बताया, 100 mm का थोड़ी ना मोल्ड है, 30 mm है उसकी हाइट और डायमीटर। हाँ, 30 तो फिर या तो बोलो ही मत और फिर गलत नहीं बोलना है, गलत वो अगर सेकंड नहीं याद है तो तो फिर बोलो ही मत, ऐसे बोल दो सिलेंड्रिकल मोल्ड है करके। इसके अच्छा अलावा देन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो कंपाउंड्स वाला कि वो कब बने होंगे, तो वो बिफोर दी हाइड्रेशन ऑलरेडी वो कंपाउंड्स बन चुके हैं। जब आपकी क्लिंकरिंग प्रोसेस होती है रोटरी किल में उस टाइम वो कंपाउंड्स बनते हैं। तो आप पहले ऐड करोगे लाइमस्टोन और ये सिलिका और एल्यूमिन और ये सब चीज़ें, उसके बाद ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और ये कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन से पहले ऑलरेडी ये कंपाउंड्स बनेंगे। देन इसके अलावा मैंने आपसे और सवाल पूछा था, ठीक है स्टोन्स के क्या एडवांटेजेस हैं। स्टोन्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्टोन्स में ई फ्लोरेसेंस नहीं होती, ई फ्लोरेसेंस नहीं होती, वाटर एब्जॉर्प्शन उसका कुछ भी नहीं है, इस करके भी हम सरकारी उसमें यूज कर सकते हैं। मोर ओवर एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है, स्टोन का वर्क जो है एस्थेटिकली ज्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू ब्रिक्स का वर्क। ब्रिक्स का में तो प्लास्टरिंग करनी पड़ती है आप। प्लास्टिक ठीक है, इसके अलावा आपका जो और क्वेश्चन मैंने पूछा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला, तो सीमेंट की जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, ठीक है आपने ये बताया कि उसके क्यूब का साइज डिफरेंट है, बट उसका मटेरियल भी तो डिफरेंट है सीमेंट के, उसमें हम सीमेंट थोड़ा डालते हैं, क्या हाँ, डालते हैं, वो चीज डालना, वो चीज बोलना भूल गया था। यस सर, क्या डालते हैं सीमेंट के उसमें, हम क्या डालते हैं, सीमेंट सीमेंट ही डालते सर, प्लस सैंड डालते हैं, सीमेंट प्लस एंड हाँ वह सीमेंट सीमेंट प्लस सैंड डालते हैं, वो डालते 1:1:3 की प्रपोर्शन। ठीक है, तो वो चीज डिफरेंट है। थे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट में हम लोग सीमेंट का टेस्ट नहीं कर रहे, सीमेंट प्लस सैंड का कर रहे। ठीक है, इसके अलावा और भी मैंने टिम्बर वाला जैसे क्वेश्चन पूछा था वो तो चलो नहीं आपने बताया। बाकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो थी ना वो बेसिकली वो है कि हाँ ठीक है 95% सैंपल इससे ज्यादा उनकी वैल्यू निकल के आएगी, तो जो मीन वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ऑब्वियसली FCK से ज्यादा होगी। मीन वैल्यू होगी जो 50% सैंपल जिससे वैल्यू से जिसके 50% ज्यादा होंगे 50% कम होंगे, तो वो क्या निकल के आते हैं FCK प्लस वन प्लस पॉइंट वन सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव फाइव अच्छा, इंटू तो सिग्मा। तो एफ सी के आप प्लस उसमें हो ऐड कर रहे हो, आप उसमें कुछ गया। ऐड कर रहे हो, जब कुछ ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो चीज बड़ी निकल के आएगी। FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। ठीक है, तो एक वैल्यू है उसमें प्लस लगेगा आपका। आप जो प्लस माइनस वाली बात कर रहे थे वो कॉन्फिडेंस लिमिट की बात, आप कॉन्फिडेंस लिमिट की बात कर रहे थे कि इधर 5% और इधर 95%, तो वो नहीं था, मैं एवरेज वैल्यू का पूछ रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा एक मुझे लगता है थोड़े रिविजन की और जरूरत है, और थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हो आप, पहले आप दे रहे होते हो आंसर बट बाद में फिर अगर थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज कर देता आपको तो आप हो जाते हो, थोड़ा सा और उस पर वर्क करने की मुझे लगता है जरूरत है। और सर क्या क्वेश्चन, मतलब TSDC में टेहरी हाइड्रो, मतलब जनरली इसका काम डैम से रिलेटेड होता है, तो ऐसा क्या पूछ सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल से? तो कंक्रीट पे ही ज्यादा फोकस रहेगा एज सच, क्योंकि अगर उनका डैम रिलेटेड वर्क है कि और ये भी कंक्रीट तो क्या पूछ है, सकते हैं ना सीमेंट कि क्या है। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कैसे करते हैं वो सब, क्योंकि डैम में शायद होता हो कंस्ट्रक्शन के वक्त। अंडर वाटर कंक्रीटिंग डैम के टाइम पे एक तो वो पानी को वैसे वो कर देते हैं, तो ठीक है अंडर वाटर कंक्रीटिंग हो सकता है, आप ट्रेमी मेथड वगैरह देख सकते हो, ट्रेमी ट्रेमी पायर वर्केबिलिटी कितनी चाहिए बॉटम होती है किस केस में, वो सब आप पढ़ सकते हो। तो जो IS 456 के स्टार्टिंग के 10-15 पेज हैं वो सारे इस केस में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उसका देख सकते हो कि एक्सपोजर कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, क्या ग्रेड है, क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन क्या है, व्हाट इज M15, तो क्या प्रोपोर्शन में मुझे मिक्स करना पड़ेगा कि M15 बन जाए, ऐसे सब क्वेश्चन वो पूछ सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट कैसे हैं, क्या क्या, व्हाट इज सेग्रीगेशन, व्हाट इज इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है व्हाट इज दिस ब्लीडिंग, इसको कैसे कम कर सकते हैं, व्हाट इज रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इसको एक ऑन द होल आप इसको स्टडी कीजिए,
और उस हिसाब से फिर आप इसको कैटर कीजिए। ठीक है, ब्रिक्स और ब्रिक्स से सर क्या पूछ सकते हो वो, क्योंकि ब्रिक्स से मैंने को, आपको टेस्ट आपसे पूछे थे, मैंने फील्ड के टेस्ट, तो आपने बता सकते थे कि हम उठा के 1 मीटर हाइट से उसको फेंकेंगे तो टूटना नहीं चाहिए, रिंग करेंगे तो रिंगिंग साउंड आना चाहिए, अगर स्ट्रक करेंगे नेल से उसको स्क्रैच करेंगे तो उसमें स्क्रैच नहीं डालना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टेस्ट उसमें दिए हुए हैं। तो अच्छा वो टेस्ट टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मटेरियल की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो टेस्ट वगैरह एक बार दोबारा से देख लीजिए। ठीक थैंक है, ऑल द बेस्ट। यू।